ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। जगत प्रकाश नड्डा एक ऐसा चेहरा जो सामने आया जेपी आंदोलन के दौरान, आज आखिर बीजेपी की कमान पूरे तरीके से उस शख्स को सौंपी गई है। अमित शाह के बाद अब बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जेपी नड्डा। लो प्रोफाइल रहकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता बनने का उनका सफर काफी लंबा रहा है। अपनी गजब की संगठनात्मक क्षमता, टारगेट को पूरा करने का मिशनरी अंदाज और मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से ही बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व ने अमित शाह का उत्तराधिकारी चुना। जेपी नड्डा को बीजेपी का बॉस चुना गया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी फैल गई। हर ओर बीजेपी कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाचते नजर आए। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जेपी नड्डा का जन्म बिहार में 2 दिसंबर 1960 को हुआ था। नड्डा जेपी आंदोलन से भी जुड़े, इसके बाद वो सीधे छात्र राजनीति से जुड़ गए। 1982 में उन्हें उनकी पैतृक जमीन हिमाचल में विद्यार्थी परिषद का प्रचारक बनाकर भेजा गया। वहां छात्रों के बीच नड्डा ने ऐसी लोकप्रियता हासिल कर ली कि उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ABVP ने जीत हासिल की। तो जब RSS की जो आइडियोलॉजी है वो अमित शाह जी पहले फॉलो कर रहे थे, अब नड्डा जी करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नड्डा जी अड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कई बार विधायक और फिर हिमाचल सरकार में मंत्री भी जेपी नड्डा रहे, और फिर आया साल 2010 जब उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। 2012 में नड्डा का करियर ग्राफ एक बार फिर चढ़ा और वो राज्यसभा में आ गए। 2014 में उन्हें बीजेपी संसदीय समिति का सचिव नियुक्त किया गया। 2014 में कैबिनेट पुनर्गठन के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ नड्डा के नजदीकी रिश्ते रहे हैं। मोदी जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे तब से दोनों के बीच अच्छे समीकरण रहे हैं। दोनों अशोक रोड स्थित बीजेपी मुख्यालय में बने आउटहाउस में रहते थे। 3 साल तक बीजेपी के अध्यक्ष पद पर रहने वाले जेपी नड्डा के सामने चुनौतियां भी कई सारी हैं। लिहाजा दिल्ली चुनाव में बीजेपी में जान फूंकना, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पार्टी का विस्तार, 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव में पार्टी का जलवा बरकरार रखना, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP विधानसभा चुनाव के नतीजों से पार्टी को उबारना, अमित शाह के करिश्मे को बरकरार रखना। आप जानते हैं कि बिहार की भूमि में जिनका जन्म हुआ हो वो कितना बिहार को भी जानते हैं, देश को भी जानते हैं। हमने तो युवा मोर्चा में उनके नेतृत्व में काम किया है। बहुत ही सरल शालीन व्यक्ति हैं और अमित शाह जी के नेतृत्व में भी उन्होंने बहुत काम किया है। माननीय नड्डा जी ने 40-50 साल जो संघर्ष किया है संगठन के लिए, उससे वो जो अनुभव उनको मिला है, पिछले कुछ एक साल से लगभग एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी 6 महीने से जो काम किए हैं, तो मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है आने वाले सालों में भी और आगे बढ़ेगा और हमारा विस्तार होगा, राजनीतिक विस्तार। चुनौतियां भी कई सारी हैं और बीजेपी की उम्मीद है कि हर चुनौतियों का सामना करने के लिए जेपी नड्डा बिल्कुल फिट हैं और पार्टी को अच्छे से संभालने के काबिल भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।